प्रेमी सजनों, वतन पर मिटने वाला हर वो शख्स, हर वो फौजी, हर वो शहीद हमसे ये कह के जाता है कि क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, कि क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग हम लगा के चले। वो लोग राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिन्होंने देश को मरकर आजादी दिला दी, मरते वक्त उनके दिल के क्या ख्याल थे, क्या उनके बयान थे, सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या बताया। फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक कत्लेआम करोगे, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको, कि अगर याद तुम्हें भी आ जाती तो उनकी भी क्या हस्ती है, जिनकी विधवाएं बन अनाथ रोटी के लिए तरसती हैं। और दूसरी कली के अंदर क्या बताया है, क्या लिखा जाग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो हम भारतवासी जाग रहे, जाएगा बच्चा बच्चा
मिट जाएगा बच्चा बच्चा। अम्मा ने हमें पुकारा ना फांसी ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुख